बाद हम क्या करते हैं, कुछ समय बाद अगर हम संपत्ति को ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ने पर या जरूरत नहीं पड़ने पर हम अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं, और जिस समय हम अपनी संपत्ति को बेचते हैं तो वो हमारे कैपिटल गेन में आ जाती है, पूंजी लाभ में आती है। सबसे पहले अगर समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब तो दोनों प्रकार की कंडीशन में कैपिटल गेन होता है ना, लाभ दोनों प्रकार की, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो। अब लेकिन एक चीज आती है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसा होता है और लॉन्ग टर्म कैसा होता है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल हमने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास संपत्ति अवेलेबल रहती है, जो भी हम संपत्ति को खरीदते हैं, जिस संपत्ति को हम क्रय करते हैं, उस संपत्ति को कम से कम, कुछ नहीं तो कम से कम हम उसको 12 महीने या 24 महीने, 36 महीने से कम, चाहे 12 महीने चाहे 24 महीने चाहे 35 महीने, लेकिन 36 महीने से नीचे नीचे अगर हमें उस संपत्ति से प्रॉफिट होता है या उस संपत्ति को बेचने से, वो संपत्ति से जितना भी हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आता है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है कि 12 महीने या 24 महीने और 36 महीने से अधिक, सीधी सी बात है, 36 महीने से जितना भी अधिक हमारा मतलब हमारी संपत्ति हमारे पास रहती है उसके बाद जब हमें प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है। सबको डेट हम समझते हैं, एग्जाम्पल से जैसे राम के पास एक प्लॉट है, राम के पास एक प्लॉट है, राम ने अपना प्लॉट लिया, तो राम ने प्लॉट लिया कब, 2021 में, 2021 में अब राम ने प्लॉट लिया 2021 में, और उसने 22 में बेच दिया, 22 में बेच दिया, 2022 में उसने बेच दिया, तो इसके लिए कितने महीने हुए, मात्र 12 महीने, क्यों, उसने जनवरी 1 को लिया और जनवरी 22 को बेच दिया, मतलब ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। और दूसरा आता है हमारा, अगर राम ने वही प्लॉट लिया 2017 में, 18, 19, 20 और 21, क्यों, 3 साल तो हुआ, 36 महीने 3 साल से कम होते हैं, 3 साल 3 महीने में उसने भी बेच दिया, मतलब 2019 में लिया, 20, 21, 22 और 23, तो 23 में अगर वो बेचता है राम, 2019 की खरीदी हुई चीज 23 में बेचता है, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अब इस संपत्ति को बेचने से हमें जितना भी प्रॉफिट होता है, जैसे जिस संपत्ति इसने कितने की खरीदी थी, इसने खरीदी थी ये संपत्ति मात्र 50,000 रुपये में इसने संपत्ति खरीदी, और बेची कितने की इन्होंने, इन्होंने बेच दी है अपनी 2 लाख की, तो मतलब इससे जो 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये इससे जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या है, इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और ये 36 महीने के बाद मतलब इसने अपनी प्रॉपर्टी कितने की खरीदी थी, 1 लाख की, 1 लाख की खरीदने के बाद इसने वही प्रॉपर्टी 6 लाख की बेची, कब, 2023 में बेचना है इसको, है ना, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसने 36 महीने के बाद प्रॉपर्टी को सेल किया है। अब हम पढ़ेंगे ये कि किस तरीके से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे सेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जितनी भी हमने अपनी संपत्ति को क्रय किया था, उसके बाद लेस सेलिंग एक्सपेंस, बेचते समय उसको कुछ व्यय भी आएंगे, जैसे बेचते समय जैसे किसी ने हमारी संपत्ति बनवाई तो 75,000 बोले लेगा, या किसी ने बताया गया तो 10,000 बोले गए, तो मतलब बेचते समय जितना भी एक्सपेंस आता है, जितना भी व्यय आता है, उसको अपन संपत्ति के विक्रय मूल्य से माइनस कर देते हैं, और जो बचता है वो हमारा लेस सेल आ जाता है, है ना। तो ये इतनी चीज आपको समझ में आई, ये पॉइंट था हमारा जो था सेलिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी संपत्ति हमने, जितनी भी संपत्ति को हम बेचेंगे उसके बाद लेस सेलिंग, मतलब बेचते समय जितनी भी प्रॉब्लम उसमें आती है या जितना भी व्यय उसमें आता है उस व्यय को हम उसमें से माइनस कर लेंगे, जो बचेगा हमारा नेट सेल बचेगा। दूसरा आता है हमारा लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज ऑफ एसेट इनटू करंट ईयर, मतलब जितने साल हमने उसको, कब हमने उसको परचेज किया था, जैसे 2017 में हमने परचेज किया था, इनटू करंट ईयर जो भी चल रहा है, जितनी हम बेच रहे हैं तो उसको इनटू करेंगे, जो आएगा हम इधर ही अपना लिख देंगे। इसके बाद है परचेज ईयर इंडेक्स, परचेज ईयर इंडेक्स मतलब जिस साल हमने उसको परचेज किया था और कितने में हमने उसको परचेज किया था, फिर करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब उस संपत्ति में हमने कितने व्यय किए, जैसे मरम्मत का भी व्यय हो जाता है कभी कभार, ऐसा होता है बिल्डिंग बनवा दी हमने अपनी संपत्ति को लेकर, तो लेस जितना भी इंप्रूवमेंट में उसका मतलब व्यय आता है उसको अपन लिख लेते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ एसेट इनटू प्रीवियस ईयर, जिस साल हम बेच रहे हैं, मतलब उस संपत्ति को हमने कब खरीदा और इनटू हम इसको कब बेच रहे हैं, वो
सिलेंडर्स इनटू माइंस, मतलब क्या करेगी, जिस संपत्ति की मतलब बेचते समय जितना भी व्यय आता है उसको हम इसमें से माइनस कर लेंगे। फिर करेंगे हम लेस एक्सपेंड, मतलब अब लेस कुछ धाराएं होती हैं, धारा चार पांच के अनुसार जितनी भी धाराएं आती है, जैसे 54, 54D, 54G, 54GA इन आदि, ऐसी बहुत सारी धाराएं होती है जिनके अंतर्गत जितनी संपत्ति आती है उसको हम संपत्ति से माइनस कर लेंगे। अब जो भी हमारा यहाँ बसता है, जो भी हमारे घर आता है, वो है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे हम अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में इसके बाद हम आपको इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और हम आपको बता दें कि आप लोग डे बाय डे टॉपिक्स बाय टॉपिक्स अपने नोट्स तैयार करते जाइए, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और साथ ही आप लोगों ने अगर नोट्स नहीं बनाना स्टार्ट किया हो तो